से नीलकंठ मंदिर जाने के लिए और रवि भाई आ चुके हैं। काफ़ी लेट की आज इन्होंने, ऐसे लेट नहीं होते हैं। खैर जो भी है, आज जाम भी बहुत है, सैटरडे है, वीकेंड है, और वीकेंड में ऋषिकेश में जिस तरह का भीड़ होता है, सारी दिल्ली की जो युवा है वो सारे उठ करके यहीं आ जाते हैं राफ्टिंग करने के लिए, ऐसा लगता है। खैर जो भी बात हो, चलते हैं यहाँ से नीलकंठ मंदिर, फिर वहाँ चल के आपको दिखाते हैं, रास्ते में कुछ व्यूज़ दिखाते हुए चलेंगे। तो ये नीलकंठ वाला रोड हम लोग पकड़ चुके हैं, आगे एक पुल आता है, पुल को पार करके देन हम लोग नीलकंठ टेम्पल जो है, नीलकंठ महादेव मंदिर, वहाँ तक जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन वाली विष को उन्होंने अपने हाथों में लेकर के पिया, तो वो जो स्थान थी वो यही थी, यहाँ पर बैठ के उन्होंने उस विष का पान किया था। तो ये नीलकंठ वाली पुल है, अब इसको पार करके नीलकंठ की तरफ हम चलेंगे आगे, गंगा के किनारे किनारे। और ये भी कहते हैं कि विषपान करने के बाद उन्हें जो पीड़ा हुई और जिस कारण से उनकी आंखों से अश्रु बहे, तो उनके आंखों से जो अश्रु बहे, जहाँ जहाँ वो गिरे वो रुद्राक्ष के पेड़ बनते चले गए। तो रुद्र का अक्षांश भगवान शिव के आंसू, उससे आया रुद्राक्ष का वृक्ष। काफ़ी इंटरेस्टिंग कथाएँ हैं इन सबसे जुड़ी हुई। ये देखिए नीलकंठ का बोर्ड, यहाँ से लेफ्ट लेना होगा हमें। यहाँ टोल प्लाजा है एक, कितने की टोल लेनी पड़ती है? 40 देना क्या? 40 रुपए का टोल कटा यहाँ पर, पैसे के लिए टोल पे किया 40 रुपए का। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से रोड जो है काफी पतली हो जाती है। यहाँ बगल में गंगा नदी, उसके किनारे किनारे ये रास्ता चलता जाता है। ऐसे गंगा जी का व्यू और वहाँ राफ्टिंग वगैरह होती हुई। ये देखिए गंगा जी का व्यू यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ राफ्टिंग हो रही है इधर, वो कुछ राफ्ट जाती नहीं, अब देख रहे होंगे पेड़ के बीच से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये फूल चट्टी आ गई अभी यहाँ से, और आगे जाना है। यहाँ नीचे सब राफ्टिंग वगैरह होती है, रिसॉर्ट्स हैं काफी सारे। पहले इन जगहों पर खेती हुआ करती थी और अब इसको डेवलप कर दिया गया है टू रिसॉर्ट्स। जो नेचर था, नेचर के साथ जो है ना छेड़छाड़ की जा रही है, छेड़छाड़ करने से आगे चल के प्रॉब्लम हम ही लोगों को होने वाला है, ये कोई समझेगा नहीं।
लोग पैसे कमाने के चक्कर में काफ़ी कुछ तो कर देते हैं लेकिन आगे की नहीं सोचते। इसमें खेती बाड़ी होती थी, कितना अच्छा ज़मीन था ये। आगे डोली जा रही है भगवान की, जय माता दी, जय माता दी। तो ये पहुंच गए नीलकंठ, ये नीलकंठ की पार्किंग है, लंबा पार्किंग, यहाँ पे जाम भी लगा हुआ है आगे। तो वहां से थोड़ा आगे चलकर मंदिर है, नीचे उतरना पड़ता है। चलिए चलते हैं, यहाँ थोड़ी सी मौसम ठंडी है ऋषिकेश से कंपैरिजन में। गाड़ियों के कारण कितनी जाम लग रही है यहाँ पर, लोग पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि कितना जाम लगा हुआ है। जाम से, जाम क्लियर हो, इधर से आगे बढ़े। जय भोलेनाथ। यहाँ भी एक मंदिर है, अब चलते हैं आगे नीलकंठ मंदिर तक। यहाँ देख लो ये सारे, ये शायद रुद्राक्ष के फल है, रुद्राक्ष है ना। अच्छा, कैसे देखते हो आप लोग? ये देखिए यहाँ भी रुद्राक्ष के फल है और कुछ छील करके रुद्राक्ष को लिए हैं। रुद्राक्ष का फल ले लो, सस्ता कर दिया, हाथ कर दिया हमने, ले ही लिया बगल से उधर से, अब क्या करूँ। यहाँ अच्छी मार्केट है, यहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो। बच्चों के खिलौनों से लेकर हर चीज अवेलेबल है। ये अखरोट भी यहाँ शायद काफी सस्ता मिलता है, अखरोट अगर आप अपने शहरों में देखोगे तो काफी कॉस्टली होगी। पेड़ से निकाले हुए अखरोट है, पेड़ से तोड़े हुए। नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और यहाँ आने के लिए आपको शेयर में कैब या फिर बस मिल जाएगा। आप चाहे तो अपनी गाड़ी से भी नीलकंठ टेम्पल तक आ सकते हैं। ये जल चढ़ाने के लिए मैंने भी प्रसाद और गंगा जल वगैरह ले लिए यहाँ से, अब जाएंगे शिव जी को जल चढ़ाएंगे। अभी के समय में आपको रहने के लिए यहाँ पर अच्छे से अच्छा होटल भी मिल जाएगा जहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग भी करके रुक सकते हैं। तो यहाँ से नीलकंठ मंदिर जाने का रास्ता है। नीलकंठ इज अनदर नेम ऑफ लॉर्ड शिवा। द नेम हैज बीन डिराइव्ड आफ्टर ही कंज्यूम द डेंजरस हलाहल पॉइजन व्हिच इमर्ज्ड फ्रॉम द सागर मंथन। आफ्टर कंज्यूमिंग द पॉइजन हिज थ्रोट दैट इज हिज कंठ बिकेम ब्लू और नील, हेंस द नेम नीलकंठ। दिस टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेस वेयर इट इज बिलीव दैट लॉर्ड शिवा टुक रेस्ट आफ्टर ही कंज्यूम द डेंजरस हलाहल और द विश और द पॉइजन। तो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं जा रहे जल चढ़ाने भगवान को, शिव जी को। Thank you.
समुद्र मंथन के बाद जब वो कालकूट विष निकला था, भगवान शिव ने उसे पी लिया था, पान कर लिया था उस विष का, जिसके बाद उनका कंठ जो है या फिर उनकी गला जो थी वो नीली पड़ गई थी, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और यही वो स्थान था जहाँ पर उन्होंने विष का पान किया था, इसलिए यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थापित किया गया है। तो पूजा करने के बाद भूख लग गई थी और अब जो है यहाँ पर मैगी पॉइंट है, वहाँ पर आया हूँ मैं। ये मैंने मंगाई है मसाला मैगी 50 रुपीज़ प्लेट, और टेस्टी है, अच्छा है। मंदिर से निकल के आप 2 कदम चलोगे पार्किंग की तरफ तो आपको ये दुकान मिल जाएगी मैगी वाली, तो यहाँ आके आप मैगी वगैरह खा सकते हो अदर देन नाश्ता। ये इनका ही दुकान है, एक बार हाय बोल दीजिए। तो कैसा लगा आप सभी को नीलकंठ महादेव का ये यात्रा, कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आज ही सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन गुड बाय।